पहाड़ से लेकर मैदान तक हाल ही में लोगों ने कुदरत के क्रोध को देखा है। अगस्त में आसमानी आफत से लोग दहशत में हैं, जीना मुहाल है, मुश्किल में जान है। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से 19 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं केरल के वायनाड में मौत का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। वायनाड में गांव की गांव लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गए, तो वहीं हिमाचल उत्तराखंड में बादल फटने से जो तबाही मची है वो पूछिए ही मत। सैलाब गुजर चुका है और अब उसके निशान बाकी हैं। युद्ध स्तर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य प्रशासन की टीम लोगों की मदद में जुटी है। वायुसेना के चिनूक और MI-70 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू मिशन में मैदान में उतारा गया है। हिमाचल में 50 लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित कुल्लू, शिमला, मंडी में राहत बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के लिए राहत देने की घोषणा की है। जल्दी इन परिवारों को बसाने के लिए हम आपदा राहत पैकेज देंगे और प्रत्येक परिवार हमारा है, उसको बसाने का धर्म भी हमारा है, उसके परिवार के बच्चे को पढ़ाने का कर्तव्य भी हमारा है। कोई तंगी नहीं आने देंगे, जैसे पिछली बार की तरह आपदा राहत दिया था, बरसात खत्म होने के बाद हम इन्हें आपदा राहत देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। जैसे ही यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूंगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बनूंगी। कुल्लू में बादल फटने की घटना के बाद बचाव काम तेजी से जारी है, तो वहीं उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे हालात पर नजर बनाए रखे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 5000 लोगों को बचाया जा चुका है और सरकार हर एक श्रद्धालु की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं, लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है, जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा, एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है, 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है सभी को निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड में 3 दिन पहले केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने और अतिवृष्टि से हुए भूस्खलन के बाद से धाम में संचार सेवा ठप है। बड़ी संख्या में यात्री जंगल के रास्ते चौमासी होते हुए गुप्त काशी पहुंच रहे हैं। इस रास्ते में भी मोबाइल सेवा नहीं है। पुलिस के मुताबिक अभी धाम में 700 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को आज शाम तक निकाल लिए जाने की उम्मीद है। हाईवे और पैदल मार्ग ध्वस्त होने से केदारनाथ यात्रा स्थगित है। उत्तराखंड में राहत की बात है कि अब भारी बारिश में कमी के आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात केरल के वायनाड की करते हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और मौत का आंकड़ा 308 पहुंच गया है और केरल के वायनाड के लोगों का दर्द बांटने के लिए सांसद राहुल गांधी भी वहां पहुंचे और कई लोगों ने तो अपनी पीड़ा का इजहार राहुल गांधी के सामने किया, लेकिन कई लोगों के रवैये भी ऐसे रहे जिससे लग रहा था कि वो राहुल गांधी से बेहद नाराज है। रिपोर्ट आप सबको दिखा रहे हैं। ये दर्द, ये पुकार, ये वेदना उस शख्स की जो बड़ी उम्मीदों के साथ राहुल गांधी के पास पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि राहुल गांधी उसकी मुश्किलों को समझेंगे, लेकिन ये शख्स चिल्लाता रह गया, राहुल गांधी को पुकारता रह गया, लेकिन राहुल टस से मस नहीं। एक बार फिर देखिए इस तस्वीर को। हो सकता है आपको इस शख्स की भाषा समझ में ना आ रही हो, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसकी तकलीफ साफ साफ नजर आ रही है। उसके दर्द का एहसास ना तो राहुल गांधी को हुआ और ना ही उनके सिपहसालारों को। राहुल गांधी बड़े तामझाम के साथ वायनाड पहुंचे थे। वायनाड में आई तबाही से करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, गांव के गांव खत्म हो गए हैं और जब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी आए हैं तो भीड़ बड़ी उम्मीदों के साथ उनके पास पहुंची, लेकिन राहुल के रवैये ने लोगों को निराश किया। ये
राहुल गांधी की कार से नीचे नहीं उतरने की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि जूता गंदा हो जाने के डर से राहुल गांधी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। राहुल गांधी बीते 5 सालों से वायनाड के सांसद थे। 2024 में भी आम चुनाव में राहुल वायनाड से भारी मतों से जीते। ऐसे में लोगों में राहुल गांधी से उम्मीदें थी, लेकिन वायनाड को निराशा ही हाथ लगी। अब वो कोस रहे हैं कि जब दिक्कत तकलीफ नहीं सुन सकते तो फिर राहुल गांधी वायनाड आए ही क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, अगस्त महीने में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में सैलाब का सितम देखने को मिला है। जरा गौर से मैं आपको तस्वीरें दिखाते, जरा देखिएगा कि अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की कैसी विभीषिका दिख रही है। चीन, यमन, यूएई, चिली, फ्रांस, ये वो जगह जहां बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाए कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा देश के अलग अलग कोने में, चीन में, यमन में, यूएई में, चिली में, फ्रांस में, इन तमाम जगहों पर जोरदार बारिश हुई। उसके बाद बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। तबाही ऐसी कि पूरा विश्व जो है सिहर उठा है। आप देखिए, तेज जोरदार बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि अपने साथ सामने जो भी आया उसे बहाकर लेकर ये चला गया। ये तस्वीरें सिर्फ भारत की नहीं, भारत से बाहर चीन की है, यमन की है, यूएई की है, चिली की है, फ्रांस की है, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बाढ़ का कहर पूरे विश्व में किस तरह से चल रहा है। और देखिए, राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया में ईडी को लेकर जो खबर चलाई गई उसे लेकर बीजेपी ने अब तंज कसा और कहा कि राहुल एक बार फिर भटकाने की कोशिश में लगे। तो वहीं एनडी के नेता राहुल के समर्थन में अब तर्कों की जुगाली में कूद पड़े हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी भूचाल ला दिया है। अब सवाल ये कि राहुल को ईडी का डर है या भटकाने की डगर है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने देर रात सनसनी फैला दी। रात करीब 2 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और कहा कि ईडी उनके घर आ सकती है, छापा मार सकती है, पर वो चाय बिस्कुट के साथ इंतजार करेंगे। राहुल गांधी को लगता है कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान से सरकार डर गई है और उसके जवाब में उन पर ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राहुल को ये भी लगता है कि उनका भाषण इतना शानदार था कि उसके लिए कार्रवाई हो जाएगी। इतना ही नहीं, अब राहुल के समर्थन में संजय राउत भी आ गए। ये तक कह दिया कि राहुल को जान से मारने की भी तैयारी है और ये प्लान विदेशी धरती पर रचा जा रहा है। क्या इसके सबूत हैं या फिर से झूठ की दुकान लहलहा रही है? जो लोग चुनाव भर ये कहते आए कि मोदी फिर आ गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, क्या वो एक नया झूठ लेकर आए हैं? इसका भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जरा इस पोस्ट को देख लीजिए, उसके बाद संजय राउत का ये बयान भी सुन लीजिए।